अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं तीन तड़कों वाली दाल। सबसे पहले पानी के अंदर हमने नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और अब डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। और हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें इसके पानी के अंदर ऐड कर लें। अब हम इसके अंदर दाल डाल देंगे। दाल हम लेंगे एक कप चना दाल और हाफ कप मूंग दाल, हाफ कप मसूर दाल। तीन दालें हमने लेनी है, तीनों को मिक्स करके इसके अंदर डाल देना है। हमने अब इसको उबलने के लिए रख दिया है। जब दाल अच्छे से उबल जाए तो आप इसके अंदर डाल दें लहसुन। लहसुन के जवे बारीक नहीं करने, इसको मोटा मोटा डालना है। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप इसको पिसा वाला लहसुन डालना चाहते हैं या मोटा लहसुन डालना चाहते हैं। हमारे घर में मोटा लहसुन पसंद किया जाता है दाल चावल के साथ, इसलिए हम मोटा लहसुन ही रखते हैं। ले जी, दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है अच्छे से और तड़के के लिए तैयार है। हम करेंगे इसके अब तड़के की प्रिपरेशन, जो है इसका मेन काम। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए। एक पैन के अंदर हमने ले लिया है ऑयल और उसके अंदर हम डालेंगे स्लाइस किए हुए प्याज। ये है हमारा दूसरा तड़का। पहला तड़का हमारा नमक मिर्च वाला था जो हमने लगा लिया है दाल को। ये है हमारा दूसरा तड़का जिसमें हमने ऑयल के अंदर स्लाइस किए हुए प्याज ऐड किए हैं। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। ये देखिए हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत काले नहीं करने। इस स्टेप पे आके इसके अंदर हमने हरी मिर्चें ऐड करनी है। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद आपने ध्यान करना है क्योंकि ये ऑयल के छींटे उड़ाती है हरी मिर्च। तड़के को डालेंगे हम दाल के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आवाज़ सुनी आपने, यही इसी पे हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं। अब कर रहे हैं हम दूसरे तड़के की तैयारी, तीसरे तड़के की तैयारी। उसी पैन के अंदर ऑयल के अंदर हमने डाल दिया है एक चम्मच जीरा और हैंडफुल ऑफ सब्ज धनिया। दोनों को अच्छी तरह से हमने एक से दो मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब हम इसको डाल देंगे दाल के ऊपर। ले जी, हमारी दाल तीन तड़कों वाली दाल रेडी हो चुकी है, ढाबा स्टाइल में है। इसको जरूर ट्राई करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए। इन दाल को आप इंजॉय करें उबले हुए चावलों के साथ, बहुत ही मजे की बनती है। ओके जी, इंजॉय, बाय बाय।